बताएं इंस्पेक्टर साहब, आपके क्षेत्र में जो अवैध रूप से खनन हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे? अवैध खनन अगर कहीं हो रहा है, एसडीएम साहब के संज्ञान में लाएंगे और जो है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या आपकी नॉलेज में नहीं है जेसीबी के द्वारा खनन होता है, रात भर हाईवे पर ट्रालियां गुजरती हैं, आपकी नॉलेज में नहीं है? कोई जहां भी पुलिस के नॉलेज में आता है तत्काल पुलिस पहुंच करके उनको जो है ट्रालियों को सीज करती है, जुर्माना कराती है। फिलहाल जो अभी कल वाला मामला था हरदुआ से, मामला के द्वारा संज्ञान में लाया गया, जिसके संबंध में आज जो है हमारी तहसील में ही मैं खड़ा हूँ और तहसील में उपजिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक मीटिंग की गई है। जितने भी क्षेत्र के माटी चोर हैं सतर्क हो जाए, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाने वाली है, यही हमारे बयान है। कार्रवाई होगी। और रामलीला मेले के बारे में और बता दें थोड़ा सा। ये जो रामलीला मेला सकुशल संपन्न हो गया, नवाबगंज के जितने भी क्षेत्रवासी हैं, जो मेला देखने आए जो नहीं देखने आए, उन सबको हमारी तरफ से जो है ढेर सारी जो है शुभकामनाएं। सकुशल मेला संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें। उसके अलावा गंदगी का अंबार लगा हुआ है रामलीला मेले में, क्या कहेंगे? गंदगी का जो अंबार लगा हुआ है उसके संबंध में मैंने आपको भी सूचित कर दिया, मीडिया को भी। थोड़ा कैमरे के सामने और बता दें क्या कहना चाहेंगे मेला कमेटी से? क्या की पॉलीथिन वहाँ पे बहुत पड़ी हुई है, मेला अध्यक्ष से मैं अपील करना चाहता हूँ, जितनी भी पॉलीथिन वहाँ पे पड़ी हुई है उसकी तत्काल सफाई कराई जाए और उसका उचित निस्तारण कराया जाए, ताकि जो है प्रदूषण न फैले। धन्यवाद।